अगर आप देख रहे हैं पल पल, मैं हूँ आपके साथ निशा। जिस तरह से लॉकडाउन का 10वां दिन है और जो सिरसा के लोग हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं सिरसा के कई संस्था सामने आई है उन लोगों तक भोजन पहुँचाने के लिए। वैसे ही हमारे साथ अभी एक और संस्था जुड़ी है कि एक संस्था मिलकर, काफ़ी लोग एक संस्था बनाकर किस तरह से काम कर रहे हैं और सिरसा के लोगों को किस तरह से भोजन दे रहे हैं। तो हम उन संस्था से जानेंगे आखिर वो कौन कौन से वार्डों में और किस तरह के लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। जानते हैं इन संस्था के कुछ सैंपल। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है सर आपकी संस्था? शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति है मैं। इसमें जितने भी जरूरतमंद परिवार है तो उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो अभी डीसी साहब की, डीएसपी सर जो चाची जी, उनकी कल मीटिंग हुई, तो उसमें हमें जो चतरपट्टी, प्रेम नगर, ये रेलवे कॉलोनी से महावीर कॉलोनी है, जो कीर्ति नगर है, इस साइड के कई एरिया ऐसे दिए गए हैं जो कई हमारी संस्थाएँ हैं जो अपने संयुक्त प्रयास से जो चला रहे हैं, वहाँ तक जो जरूरतमंद परिवार है वहाँ। समिति के अंदर जी हमारे अभी तक वॉलंटियर देखें तो उसमें 30 से 40 मेंबर हैं जो लगे हुए हैं। वैसे वॉलंटियर हर एक कॉलोनी के अंदर वॉलंटियर हैं जो सभी सहायता कार्य में लगे हुए हैं, पर जो टीम को इधर का एरिया दिया गया तो हम ये कई संस्थाएं मिलकर इधर का जो एरिया संभाल रहे हैं, जो जरूरतमंद परिवार उन तक भोजन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जी दोनों टाइम सुबह और शाम जाएगा। ऐसे परिवारों की जो हमारी टीम के सदस्य हैं, जिस कॉलोनियों में हमें जिम्मेवारी दी गई है वहाँ पर टीम के सदस्य लगे हुए हैं, वो सभी वहाँ पर जो जरूरतमंद परिवार उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जो 100% जरूरतमंद परिवार है वहाँ तक उन तक भोजन पहुँचाया जाएगा, ताकि हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसा परिवार ना छूट जाए जिस तक भोजन ना पहुँच पाए। पहले भी हम जैसे कई अन्य संस्थाओं की सहायता से राशन पानी और भोजन था वो पहुँचा रहे थे पैकेट से, पर हमें जो एरिया दिया गया है उसके बाद सभी जितने भी संस्थाएं थे हमने आपस में सलाह मशवरा किया और यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर आज से जैसे लंगर बनाना स्टार्ट किया है, तो जरूरतमंद परिवार तक पहुँचाया जाएगा। खाने के अंदर जी रोटियाँ एक पैकिंग है, उसके अंदर जैसे 4 रोटियां और सूखी सब्जी दी जाएगी और परिवार में जितने मेंबर होंगे उनको दिया जाएगा या उनकी जो जितना वो खा पाएंगे उस हिसाब से उनको भोजन दिया जाएगा, ताकि जो सहायता राशि, जो दान राशि आ रही है उसमें से किसी का व्यर्थ यूज ना हो।